guys, welcome back to my channel The Creative Apex and welcome back to another video. ये video बहुत ही fun, interesting होने वाली है. Basically ये एक challenge है जो कि हमने past में भी हमारी YouTube channel पे करा हुआ है, which is the weird food combinations challenge. उस time मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में and I was short of ideas also with YouTube ideas. तो मैंने सोचा हम इस चैलेंज का पार्ट टू भी करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना ताकि आई कुड अंडरस्टैंड कि आप ऐसे चैलेंजेस वीडियो ज़्यादा देखना चाहते हो, मोर ऑफ वो अलग टाइप्स वाले वीडियो लाइक दैट चैटिंग वीडियो. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, शो ऑल योर लव टू मी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट मी शो यू. ये मैंने प्लेट फुल ऑफ थिंग्स ले ली है. आपको बहुत ही कलरफुल दिख रहा होगा दैट्स क्योंकि बहुत सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन हम करने वाले. दे आर नॉट लाइक कलर कॉम्बिनेशन बट जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी सी कलरफुल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज पिकल प्लस पाव भाजी मसाला. बेसिकली मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है. मैंने दोपहर में ही पाव भाजी खाई है एंड मुझे अचार पिकल यानी कि अचार भी बहुत पसंद है. सो अभी हम ये कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं. मैंने कभी ऐसे खाया नहीं. मैं पाव भाजी के साथ भी मैंने कभी पिकल खाया नहीं है तो इट्स थोड़ा सा वियर्डिश मेरे लिए. तो मैंने ये कॉम्बिनेशन इसलिए रखा. तो लेट्स ट्राई. सो आई हैव गॉट माई प्लेट. यहाँ पे पाव भाजी मसाला है, यहाँ पे पिकल है. तो हम इसे मिक्स करेंगे इसे डाल के. थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है बट इसका टेक्सचर भी बदल गया है. इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट नाउ. लेट्स हैव इट. तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है. मुझे ऐसे नहीं है कि आप कॉम्बिनेशन ट्राई करो. इट्स ठीक ठाक यानी कि हम रेटिंग्स भी देंगे आज. तो ठीक ठाक है मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है. बट इसमें एक गुड पार्ट है कि इसमें पिकल की टेस्ट ज़्यादा आ रही है एंड पाव भाजी मसाला की टेस्ट अलग से बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है. क्योंकि मैंने एक बार टेस्ट करा था पाव भाजी मसाला, वो अच्छा नहीं टेस्ट करता. पाव भाजी में जाने के बाद वो भाजी का अच्छा टेस्ट करता है बट लेकिन ऐसे छूटा मतलब ऐसे नॉर्मली अच्छा टेस्ट नहीं करता विदाउट पाव भाजी में. सो मुझे नहीं पसंद आया ये. बट आई वॉज थैंकफुली मैंने अचार ज़्यादा लिया था इन कंपेरिजन विथ पाव भाजी मसाला तो वो एक प्लस पॉइंट है. बट मैं इसको देना चाहूँगी 5 out of 10. मतलब आप कर सकते हो बट क्यों करोगे आप. तो वैसा है मतलब ज़्यादा पाव भाजी का टेस्ट नहीं आया. बट ये ऐसे ज़्यादा बहुत सारा ऐसे वियर्ड खा के पेट मत बिगड़ा देना अपना. तो कम खाना लेकिन ऐसे वियर्ड मत खाना कभी. मैं सिर्फ ये वीडियो के लिए ऐसे कर रही हूँ. सो द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज़ बेसन प्लस राइस. तो मैंने बेसन को गीला मीन्स इसका क्या बोलते हैं उसे पेस्ट नहीं करा. सो बेसिकली हर वी हैव बेसन एंड हर वी हैव राइस. मैं ना पर्सनली मेरा ऐसा है कि मैं आपको मेरा एक चीज़ बताती हूँ. आई कैन हैव ग्रेन जैसे खुला भी. तो लाइक मैं दाल भी ऐसे खा सकती हूँ, मैं वीट भी ऐसे ही नॉर्मली विदाउट वो ग्राइंड खा सकती हूँ, राइस भी ऐसे विदाउट उसका मतलब चावल बेसिकली मैं खा सकती हूँ विदाउट पके हुए ऐसे कच्चे. वो मेरी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा वियर्ड नहीं होगा एंड बेसन मैंने कभी अभी नहीं. आई एम मिक्सिंग देम विद माय हैंड्स. लेट्स हैव इतना. इट्स गुड. अगर आपको बेसन या फिर ऐसे चावल आप नहीं खाते हो ऐसे खुले मतलब बिना पके हुए कच्चे, अगर आप चावल नहीं खाते हो तो आपको पसंद नहीं आएगा बिकॉज चावल बहुत ऐसे क्रंची होते हैं तो उसको चबाने में भी थोड़ा टाइम लगता है. एंड बेसन तो अच्छा लगता भी नहीं है मुझे ऐसे. वो पेस्ट बन के फिर किसी और चीज़ में जाता है तो अच्छा लगता है लेकिन ऐसे कच्चा बेसन मैंने कभी खाया नहीं है. तो अच्छा था बेसन जल्दी से मुंह में चला गया और राइस ही बचे पीछे चावल. तो अच्छा था. मैं इसको रेट करूँगी 7
से अगर मैं बहुत कम रेट करूँगी तो वो बहुत ही गंदा होगा. सो लाइक 1 to 5 में गंदे में आता है, एंड 6 to 10 में अच्छे में, बेसिक अच्छे में आता है. मतलब फर्स्ट इज़ गंदा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके चला जाता है. तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, समझ जाना गाइस. जो हमारा नेक्स्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है, ये रेड बनाना चिप्स आते हैं. मतलब रेड बनाना, मैं इसको तो उठा कर दिखा सकती हूँ. सो ये वो रेड बनाना चिप्स है, एंड इसके ऊपर हम क्यूमिन पाउडर लगाएंगे. जिनको क्यूमिन पाउडर पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था. क्यूमिन पाउडर बेसिकली जीरे का पाउडर या फिर जीरा ऐसा होता है, आई डोंट नो ये जीरे का पाउडर है या जीरा है, मुझे नहीं पता. तो हम ये ऐसे करेंगे, वेट अ मिनट, उसके ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी. एंड हम ये चैलेंज भी रखेंगे कि मैं किसी वियर्ड कॉम्बिनेशन के बाद पानी ना पीऊं. तो मैंने अभी तक दोनों में पानी नहीं पिया है. सो लेट्स हैव इट. जस्ट टेस्ट लाइक द बनाना चिप्स. वो कुछ ऐसे अलग से जीरे का फ्लेवर या फिर क्यूमिन पाउडर का फ्लेवर नहीं दे रहा है. मुझे लगा बहुत ही गंदा होगा ये तो मुझे बहुत ही कम रेट करना पड़ेगा, बट इट्स फाइन. जस्ट उसमें वो बनाना चिप्स की हर टेस्ट आ रहा था. मुझे लगता है मैंने बनाना चिप बड़ा ले लिया एंड क्यूमिन पाउडर कम ले लिया, ऐसे हो सकता है. बट आई थिंक इट वॉज गुड. मैं इसे अगर खाना चाहते हो ये तो आप जीरा फर्स्ट ऑफ ऑल लो ही मत, जीरे का टेस्ट ही नहीं आता है. एंड बनाना चिप्स ही ऐसे खा लो. लेकिन अगर बाई मिस्टेक गिर गया थोड़ा सा जीरा पाउडर तो इट्स गुड, आप खा सकते हो उसे, या फिर आप इसे छड़ा के भी खा सकते हो, इट्स गुड. मैं इसको देना चाहूँगी 9 out of 10. इट वॉज गुड, ऐसे नहीं कि उल्टी ही कर दो, ऐसे कुछ नहीं था. इट वॉज गुड, आई लाइक इट. मैं फिर कभी अगर ऐसे हो जाए कि गिर जाए जीरा तो मैं ज़रूर इसे खाऊँगी. सो या दिस इज़ अ पास फ्रॉम मी. ये फूड कॉम्बिनेशन की मुझे बहुत ज़्यादा देर से, मतलब आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस फूड कॉम्बिनेशन. तो इसमें हमें लेना है वाटरमेलन. ये बेसिकली एक छोटी वाटरमेलन स्लाइस है. हमें यार इसमें तो चावल चिपक गए, निकल गए. इस पर हमें चिली फ्लेक्स लगाना है गाइस. चिली फ्लेक्स मुझे पसंद नहीं, आई एम अ लवर ऑफ वाटरमेलन. तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैंने रखे हुए हैं. ऐसे दिखाने गई तो सब कुछ गिर जाएगा, बट हम कुछ ऐसे ऐसे इसे स्टिक कर देंगे. आई होप मैं अपना मुंडा जला लूँ. तो लेट्स बी खतरों के खिलाड़ी एंड लेट्स ट्राई दिस आउट. Let me try.
की वजह से फ़ैन लगाया हुआ है ना, तो हवा की वजह से उड़े जा रहा है पिज़्ज़ा सीज़। नहीं, मैं ऑफ कैमरा करके आपको दिखाऊंगी। फाइनली स्टिक हो गया। आई एम जस्ट ट्राइंग इट विद वन दाल का टुकड़ा, आपको दिखा भी नहीं सकती। गिर गया फिर से। मैं इसे जल्दी से ट्राई करके आपको दिखाती हूँ एक और बार, क्योंकि गिर रहा है पता नहीं क्यों। फाइनली स्टिक हो गया है, अभी लेट्स जस्ट ट्राई इट। ठीक है, मैं इसको रेट करूँगी 6 out of 10। दैट कम्प्लीट्स टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मुझे ज़रूर कभी भी कमेंट सेक्शन खुले होंगे या फिर कभी भी स्टार्ट होंगे तो मुझे ज़रूर बताना आपने ये कॉम्बिनेशन ट्राई करें कि नहीं। सो या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू, स्टे हाइड्रेटेड, बाय।